अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये बन रहा है शीत कोरमा। शीत कोरमे में हमने थोड़ा सा घी लिया, उसके अंदर दो इलायचियां डाली, फिर एक दो चम्मच चला के उसके अंदर हमने डाल दिए पिसी हुई खसखस। अब ये हम खसखस को भून रहे हैं। ये देखें खसखस का कलर चेंज हो गया था, उसके बाद हमने इसमें दूध डाला है। दूध के अंदर हमने इलायचियां डाली थी और इलायचियों के जो बीज निकले थे उसको हमने अलहदा से कूट लिया है। अब हम दूध उबलने तक का इंतजार करेंगे। हल्की हल्की सिवैया गल गई हैं, अभी हम इसमें पिसा हुआ मेवा ऐड कर रहे हैं। मेवे में है बादाम, पिस्ते, किशमिश। ये मजेदार खसखस वाला शीत कोरमा बन रहा है। ये हमने मेवे डालने के बाद अभी हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। ये देखें, ये वाले जो आम सिवैया होती है वो गल चुकी है, तो ये इसके बाद हम थोड़ी सी रंगीन सिवैया ऐड कर रहे हैं। उनके गलने के बाद, क्योंकि ये फटाफट गल जाती हैं, इस वाले उनके अधगला होने के बाद हम इसको ऐड कर रहे हैं। इसमें अब कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, वो हमने थोड़ा सा पानी लेके कस्टर्ड पाउडर घोल लिया है। देखें शीर कोरमा तैयार है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दिया था। ये है खसखस का, अक्सर लोग खसखस का नहीं बनाते, सिंपल बनता है। इसमें जबरदस्त चीज है कि ये खसखस से तैयार किया गया है, इसलिए इसका जायका और शीर कोरमे से बहुत मजेदार है। वालेकुम गाइस, ये देखिए मीठा बिल्कुल रेडी है। अब इंशाल्लाह हम मेहमानों के सामने सर्व करने जा रहे हैं। ये देखिए आपका जबरदस्त मीठा।